सो गाइज, यहाँ पर आज है day 2 इन मुंबई। मुंबई शहर में हम जिस गली में रह रहे थे वहाँ से हम लोग आ चुके हैं अभी कोलाबा एरिया पे। तो मैं जिस होटल में हूँ, इस होटल से मरीन ड्राइव है आपका 3.5 किलोमीटर। तो आज जो है हम लोग जाने वाले हैं टूवर्ड्स मरीन ड्राइव की ओर। मरीन ड्राइव से होते हुए हम जाएंगे पवाई। पवाई पे हम लोग को टाइगर काउल जी का जो शॉप है, देट इज टाइगर मोटर शॉप, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद भैया से थोड़ा बहुत मिलना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे हीरानंदानी, जहाँ पर मुंबई के निखिल जी रहते हैं। अगर वहाँ पर उनसे मुलाकात हो पाता है तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा रूम यह है होटल शबाना में, और होटल शबाना आपको कोलाबा में मिल जाएगा। गूगल में आप लोगों को इजीली डायरेक्शंस रेट्स वगैरह मिल जाएगा। ये जो रूम है ये 1500 रुपये का मेरा मुझे पड़ा। बाथरूम अटैच नहीं है, बाथरूम डिटैच्ड है, लेकिन सब फाइन है, ओके है। 2 दिन तक मैं इतना सोया, इतना थका हुआ था कि और कल निकला ही नहीं गया मेरे से। एंड यहाँ पर जैकेट और ग्रे पैंट एंड शू एंड ग्लव्स वगैरह, और यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ टाइप का लोचा हो। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। मुंबई के सड़कों पे आप लोगों का स्वागत है गाइस। अभी यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं राइड। हम लोग अभी पहले जा रहे हैं मरीन ड्राइव। यहाँ पर सिग्नल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, एंड मुंबई पे चलाना एक हेडेक जैसा है। ये अभी पूरा कम्प्लीटली मुझे फील हो रहा है। यहाँ से 3.1 किलोमीटर है मरीन ड्राइव। कैमरा पे तो बात करना ही है, और साथ ही साथ में यहाँ पर रोड्स का भी ध्यान रखना है। हमें उस वाले रास्ते से जाना है। हमें यहाँ पर लोगों को थोड़ा फॉलो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े शहर में चलाने का हैबिट बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कैरी कर रहा हूँ, कुछ भी अगर लोचा हुआ तो फिर गयो काम से। मरीन ड्राइव से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट पवाई। तो मरीन ड्राइव पे अभी यही एक मसला है, ये है मरीन ड्राइव का जो लाइन है वहाँ पर तो कोई पार्किंग नहीं है। तो चौपाटी में अगर कोई पार्किंग का जगह मिला तब जाके हम लोग थोड़ा बहुत ब्लॉक कर पाएंगे, नहीं तो बाद में पैदल आना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड है, सीधा जाके लेना पड़ेगा हम लोगों को लेफ्ट। भूख भी लगा है अच्छा खासा, तो कुछ खाना भी पड़ेगा। अभी देखते हैं कहाँ पर पार्किंग अवेलेबल मिलता है, कहाँ पर हम पार्क कर सकते हैं, कहाँ पर पुलिस का लोचा नहीं मिलेगा, वो सब भी देखना पड़ेगा हमें। हमें फ्लाईओवर नहीं पकड़ना है, हमें यहाँ से फ्लाईओवर के बगल से जाना है। फ्लाईओवर के बगल से जाते हैं, फ्लाईओवर पकड़ेंगे तो किसी और कोने में चल पड़ेंगे। तब जब मैं मुंबई घुसा था तब ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने जानबूझकर फ्लाईओवर ले लिया था, एंड फ्लाईओवर की वजह से मैं पहुँच गया और एक कोने पे। यह है मरीन लाइन का रेलवे स्टेशन। गूगल मैप के फुल भरोसे चलूंगा तो धोखा तो खाऊंगा ही खाऊंगा भाई। कितना सिंपल रास्ता था मेरे होटल से मरीन ड्राइव का। तो लो जी भाई लोग, हम लोग आके पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव। वो भी मरीन ड्राइव आए हैं हम अपने वाहन पे। यहाँ पर भीड़ देख सकते हो लोगों का, ऊंची ऊंची इमारतें, लोगों का भीड़ भाई, और क्या चाहिए। टैक्सी वगैरह तो पार्कड है, तो अपना स्कूटी पार्क कर सकते हैं क्या, पता नहीं, सामने जाके थोड़ा पूछते हैं। सो लो जी गाइस, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया वी आर हियर टू द ऑलमोस्ट वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। यहाँ पर है समंदर, सूरज ढल रहा है, सनसेट का टाइम है, और यहाँ पर है पूरा मरीन ड्राइव। यहाँ पर पूरा मरीन ड्राइव है, एंड यहाँ पर है मेरा स्कूटी। सो फ्रॉम सिलचर से लेके टिल मुंबई तक हाफ ऑफ माई जर्नी कम्प्लीट हो रहा है। इससे मतलब ज़्यादा खुशी की चीज़ क्या ही हो सकती है। अपने स्कूटी को लेके हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव पर, एंड वहाँ पर इमारतें चेकआउट कर सकते हो।
उस साइड पे आप लोगों का जुहू वाला पार्ट भी आता है। पर हम अपने स्कूटी को थोड़ा बहुत स्ट्रेट पार्क करके हम लोग यहाँ पर फोटो वगैरह खींचेंगे, क्योंकि अपने स्कूटी को लेके मुंबई आए हैं सिलचर से। दिस नंबर प्लेट, दिस स्कूटी, थैंक यू माय बीस्ट फॉर मेकिंग दिस जर्नी पॉसिबल। बहुत ही लंबा सफ़र था, अभी यहाँ से फिर से हमें लंबा जाना है सिलचर तक, एंड आई होप मेरा स्कूटी मुझे लेकर जाएगा अच्छी तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये है मरीन ड्राइव गाइस, ये है मरीन ड्राइव। और मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक है। अभी थोड़ा ऑफ टाइम चल रहा है, 5:17 है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर रोड्स वगैरह थोड़ा खाली मिल रहे हैं। पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो एरिया आप लोग अभी देख रहे हो, ये है मरीन ड्राइव चौपाटी। यहाँ पर लोग मरीन ड्राइव चौपाटी बोलते हैं। यहाँ पर खाने पीने का एरिया बोल लीजिए, यहाँ पर आप लोग आराम से इवनिंग जो है स्पेंड कर सकते हो। सामने ऑडी दे सकते हो, ऑडी, ये है ऑडी A8। लग्जरी गाड़ियों का यहाँ पर फुल ऑन सीन चालू है। यहाँ से राउंड अबाउट लेना है, राउंड अबाउट लेके, इन राउंड अबाउट में मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि राउंड अबाउट से अभी किस तरफ जाना है। ऊपर जो ये वॉक, ये एरिया देख रहे हो, ये वॉक करके आप लोग इस एरिया को क्रॉस कर सकते हो, ताकि नीचे वॉकिंग का कोई झमेला नहीं रहे। मतलब क्या इतना अच्छा अच्छा फैसिलिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहता है। अभी एट प्रेजेंट है हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोगों को कंटिन्यू करना है फॉर मोर 2.5 किलोमीटर। इन ऊंची इमारतों की एक अलग खूबसूरती है, और असम के छोटे छोटे इमारतों की भी एक अलग ही खूबसूरती है गाइस। एंड वहाँ पर आप जितने बिल्डिंग देख रहे हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर जितना बिल्डिंग्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है सब ऑफिशियल बिल्डिंग्स है। एंड मेरे राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो है सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। सामने जाम देख सकते हो भाई साहब, इसीलिए मुझे 21 किलोमीटर के लिए 53 मिनट्स दिखा रहा है अभी, 53 मिनट्स भाई साहब। पवई पे टाइगर कॉल जी का जो शॉप है, देर इज टाइगर मोटर शॉप, के लिए अभी भी 11 किलोमीटर बाकी है, और इन 11 किलोमीटर के लिए 33 मिनट दिखा रहा है। यहाँ पर मुंबई का ट्रैफिक इज ऑन नेक्स्ट लेवल भाई साहब। बीच बीच में होते हुए जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक सो साइड में होके जाने से ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ओह, हमें फ्लाई ओवर से नीचे उतरना पड़ेगा। नाइट व्यू के मुंबई शहर पे आप लोगों का स्वागत है गाइस। आते आते अंधेरा हो ही चुका है फाइनली। सिलचर में बहुत पहले ही अंधेरा हो चुका था, जब मैं मरीन ड्राइव में आके पहुंचा तब ऑलरेडी बहुत अंधेरा हो चुका था। अभी हम लोग बोल सकते हो लगभग पवई एरिया में पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ 2.7 किलोमीटर है यहाँ से। सो आगे जाके हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये है मर्सिडीज GLC 300। जिस शॉप पे मैं जा रहा हूँ टाइगर मोटर शॉप, वहाँ पर ही जाके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। चलो तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं टाइगर मोटर स्टोर से, कल फिर से आना होगा। मैंने सोचा था कि कल हम निकलेंगे फ्रॉम मुंबई, लेकिन भैया नहीं है। तो भैया से बात हुआ, भैया ने बोला कल आने के लिए, तो फिर हम फिर से कल कोलाबा से आएंगे यहाँ पर, कल आएंगे फिर से। एंड निखिल सर से भी अगर मुलाकात हो पाता है तब तो एकदम सही है,
बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। बहुत राइडर, दो तीन राइडर भैया से हम मिले, बहुत ही मतलब राइडर भैया लोगों से मिलने की क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। अभी हम जाएंगे सीधा अपने होटल पे, होटल शबाना पे। यही सब रोड्स देखते हैं हम मुंबई कर निखिल जी के ब्लॉग पे भाई, वीडियोस में यही देखते हुए आए हैं हर बार।